हेलो गाइस, बहुत दिन के बाद मैं आया हूँ वीडियो बनाने के लिए और वीडियो बना रहा हूँ। तो 2 महीना हो चुका था, उसके लिए माफ़ करना। एक्चुअली कुछ रीज़न था, जो मेरा मोबाइल जिससे हम वीडियो बना था वीवो, उससे बहुत ही दिक्कत हो रहा था। तो उस वजह से मैं नया फ़ोन ले रहा हूँ, तो आज फ्लिपकार्ट से आएगा। सैमसंग का ले रहा हूँ, फिलहाल बजट कम है तो 14,500 कुछ है। अनबॉक्सिंग वीडियो छोटा सा अनबॉक्सिंग टाइप का बना देंगे। और मानता हूँ कि बहुत ही लेट किया, देर से सही, लेकिन आया हूँ। तो कुछ ही देर बाद फ़ोन आने वाला है, तो अनबॉक्सिंग वीडियो थोड़ा सा दिखा दूंगा। और इसमें है पैसा 14,500 रुपया। तो ठीक है, फ्लिपकार्ट से आएगा तब मैं दिखा दूंगा आप सभी को, तो थोड़ा वेट करिएगा। गाइस, आ चुका है मोबाइल, डिलीवरी बॉय भी आ चुका है। या मोबाइल देख सकते हैं, ब्लॉगर बॉय का आ चुका है फ्लिपकार्ट से ऑर्डर दे चुका है। बहुत खूब है भाई, अच्छी बात है। और थोड़ी देर बाद ये बॉक्स अनबॉक्सिंग करेंगे। बड़ा खुश है ब्लॉगर बॉय आज। भैया कैसा लग रहा है? अनबॉक्सिंग कर देंगे। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया, मजा लग रहा है। बहुत दिनों के बाद, बहुत वेट किया, आखिर आ गया। वैसे लेने का इरादा नहीं था, लेकिन बजट भी देखना होगा, तो फिलहाल तो यही चलाएंगे और इसी से वीडियो बनाएंगे। बता दीजिए कितना प्राइस? 14,500। ठीक है सुनो, हर चीज खराब कर देता है। तो अभी इसे हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। अच्छा, ये 64 मेगा पिक्सल रियर कैमरा और 6000 बैटरी एमएच विथ 15 वॉट फास्ट चार्जर। और इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि बहुत अच्छा होगा देखने के लिए, वीडियो से सब देखने। और फ्रंट कैमरा में आपको 32 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। तो चलिए, 191 ग्राम। अभी अंदर खोल के देखते हैं। ओहो, इसका लुक तो बड़ा जबरदस्त है। और ये रहा फोन, 6GB RAM है और 128GB स्टोरेज। तो सैमसंग का लेकिन एक खासियत है, कि खासियत बोल के नहीं है, मतलब इसमें क्या हुआ, आजकल बैक कवर नहीं देता और स्क्रीन गार्ड नहीं देता, तो मुझे एक्स्ट्रा से लेना होगा। चलिए कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ दिखाइए और फोन में, तो बैक कवर तो दिलो ऑर्डर। ये रहा सुंदर सा प्यारा सा फोन, बहुत ही कूल लग रहा है। चलिए अभी इसे ऑन करते हैं। वाओ, सैमसंग गैलेक्सी एम फोर्टी। वाओ, काफी प्यारा लग रहा है। हाँ, लुक मुझे बहुत अच्छा लगा। क्वाड कैमरा, ये फिंगरप्रिंट। तो चलिए इसे सब कुछ सेटअप कर लेने के बाद में फिर आप लोगों को थोड़ा सा एक झलक दिखाएंगे। वाईफाई देना होगा। और इसमें आपका सिम लगाना बाकी है। और वाओ, इसका वॉलपेपर, सिम लगाना बाकी है। चलिए, स्मूथ है, 2 दिन के बाद में स्मूथ, थोड़ा सा प्रॉब्लम। ये सुपर एमोलेड दिखे, एक अलग सा व्यू है ब्राइटनेस के ऊपर, वीडियो देखने अच्छा होगा गाइस। तो और ये फ्रंट कैमरा से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, काफ़ी क्लियर है गाइस, यही ऐसा ही चाहिए था बस। हाँ, हल्का सा स्टेबलाइजेशन के लिए तकलीफ होगा, लेकिन कोई नहीं, एडजस्ट कर लूँगा वो सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो देखिए क्लियर है। तो अभी इसी से और वीडियो बनाएंगे, अभी मैं अपडेट देता रहूँगा जब तक। फिर ऐसे भी अभी लॉकडाउन था, तो उसके वजह से मैं वीडियो बना नहीं सका, तो एक दो कंटेंट है उस पर
उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ओ गाइस, इसमें सुपर स्टडी मोड भी है, मैं तो सोच रहा था नहीं है बोल के। मैंने यूट्यूब में रिव्यू देखा तो वहाँ पे तो नहीं दिखा रहा था, ये आप देख सकते हैं। तो मैं हिला के देखता हूँ आप लोगों को, ये देखिए कितना स्मूथ है। चलो ब्लॉगिंग के लिए मदद। और गाइस, मैं आप सभी को अभी कैमरा का फीचर्स कुछ दिखा दूंगा, फ्रंट और बैक का। फ्रंट में लेकिन आपको, फ्रंट में आपको वाइड एंगल का ऑप्शन नहीं आता, जो कि अलग सैमसंग फ़ोन में दिया जाता है, पता नहीं इसमें नहीं दिया वाइड एंगल। वाइड एंगल उनसे सब कुछ कवर हो जाता है पीछे का थोड़ा बहुत। लेकिन बैक कैमरा में दिया गया है, तो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ एक एक झलक। ये देख सकते हैं, ये नॉर्मल है। अभी वाइड एंगल का दिखाऊंगा, दिखेगा वाइड एंगल में कैसा दिखेगा। वाइड एंगल में पीछे का भी थोड़ा बहुत दिख जाता है। और फोकस भी होता है, आप देख सकते हैं फोकस ले रहा है, फोकस भी अच्छा खासा है इसका। ये 4K में शूट हो रहा है 30 FPS। यहाँ में 60 FPS का ऑप्शन नहीं दिया गया है। और 4K में आपका बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों में ही स्टेबलाइजेशन ऑप्शन नहीं है, और फ्रंट में ऐसे भी नहीं है, लेकिन बैक कैमरा में सुपर स्टडी मोड है, तो उससे अच्छा होता है। उसमें भी थोड़ा आपका क्वालिटी देखने मिलेगा, और विदाउट स्टेबलाइजेशन भी आपको क्वालिटी थोड़ा अलग दिखेगा। कोई नया लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और इतना ही था आज का वीडियो, और अगला वीडियो में मिलते हैं। और वैसे कल 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे, तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। देखते हैं कल क्या होता है, अगर वीडियो बनाना पॉसिबल हुआ 15 अगस्त के दिन तो ट्राई ज़रूर करेंगे बनाने का। तो ठीक है, और घर में सब सेफ रहिए, और ठीक है, फिर भूल चूक माफ़ करिए, दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।